Hey guys, welcome back to my channel. तो अभी हम हैं चेन्नई एग्मोर स्टेशन में और हम जा रहे हैं रामेश्वरम. तो हमारी ट्रेन है अभी यहाँ से लगभग 7:30 बजे रामेश्वरम एक्सप्रेस, जिससे हम कल सुबह 30 को रामेश्वरम पहुँच जाएंगे. ट्रेन चेन्नई से चलती है 7:15 इन इवनिंग. तो ये है चेन्नई स्टेशन का व्यू और मैं हूँ अभी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए. तो अब हम आपको मिलते हैं रामेश्वरम पहुँच के. गाइस, तो अभी हम मंडपम में हैं और रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं और अब एक ब्रिज आने वाला है जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, पंबन ब्रिज, और उसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है. वो रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ता है. गाइज, अब हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और कैसा लग रहा है? और अब हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं. तो गाइज, हम रामेश्वरम एक्सप्रेस से आए हैं जो कि चेन्नई टू रामेश्वरम से निकलती है शाम के 7:30 PM पर और सुबह रामेश्वरम पहुंचती है 8:30 को. तो हम अच्छे से पहुंच चुके हैं और मैं अब आपको रामेश्वरम का स्टेशन दिखा रही हूँ. बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा ही स्टेशन है और इसके बाद रेल लाइन नहीं है. तो ये एंड है, देख सकते हैं रामेश्वरम. हेलो, अभी हम समुद्र की तरफ जा रहे हैं और मम्मी हमको बताएंगे कि तो तीर्थम हम अभी यहाँ पे नहाने वाले हैं, तो उसका क्या महत्व है? इसका ये महत्व है कि राम भगवान की महिमा है, इसीलिए हम भी राम भगवान की महत्व को देखते हुए हम भी इस तीर्थ में स्नान कर रहे हैं. और गाइस, यहाँ पे माना जाता है कि 22 तीर्थम में हमें पहले नहाना है मतलब, और उसके बाद फिर हम दर्शन के लिए जाएंगे ज्योतिर्लिंग के. तो अभी उसमें से हम सबसे पहले तीर्थम की ओर जा रहे हैं. और इसके बाद हम बाकी तीर्थ में भी जाएंगे. तो यहाँ से स्टार्टिंग है.
है रामेश्वरम का और ये उसका बैक साइड है। और अभी हम जा रहे हैं जो 22 तीर्थम है वहाँ पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के लिए ये रास्ते से। तो अभी दिन के 11 बज रहे हैं और मंदिर में दर्शन करने का टाइम जो है वो 1 बजे तक का है। 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर दोबारा 3 बजे खुलता है। तो दर्शन करने से पहले जो 22 तीर्थम है वहाँ पर हमको स्नान करना है, तो उस दर्शन के पहले अब हम वहाँ जा रहे हैं। और ये वे टू तीर्थम है, फिर हम जाके वहाँ से आपको बताते हैं। ये टेम्पल का नॉर्थ गेट है और यहाँ से जो 22 तीर्थम है उसके जाने का रास्ता है। तो गाइस हम 10 o'clock को अपनी होटल पे पहुंच चुके थे और फिर हम डायरेक्ट यहाँ से फ्रेश होके तीर्थम के लिए गए, जो 22 तीर्थम है रामेश्वरम में। पहले डायरेक्ट वहीं पे गए और वहाँ पे हमने एक जो ब्राह्मण है उनसे बात करके उनके साथ हमने अंदर टिकट कटवाई। पर पर्सन 25 rupees टिकट है, तो वो हमें अंदर लेके गए और वन बाय वन हमें सारे तीर्थम में उन्होंने कुएं से पानी लेकर उन्होंने हमारे ऊपर डाला। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। एक्चुअली वो 22 तीर्थम के पहले हम फर्स्ट अग्नि तीर्थम और उसके बाद फिर हम जो वो 22 तीर्थम है वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद फिर हम अपनी होटल आए और अपर रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी 3 बज रहा है और मंदिर 1 से 3 बजे तक बंद रहता है, तो 3 बजे अभी जस्ट ओपन हुआ होगा। तो अब हम रेडी हो गए मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू शूट। मिलते हैं आपको दर्शन।